बच्चों, हमने जो कविता पढ़ी एक मातृभूमि, उस कविता के आधार पर आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो जो पहला प्रश्न है, देखो एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक शब्द में क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है, कवि की जीवा पर इसके गीत हो, इसके मातृभूमि। दूसरा है, मातृभूमि के सपूत कौन है, श्री राम कृष्ण। आगे, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, किसे नवाना है, शीश। आगे, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, मातृभूमि कवि के माथे पर क्या है, चंदन। आगे का प्रश्न है, पद्यांश में उल्लिखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, उनके नाम श्री राम और श्री कृष्ण। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब यहाँ पे शब्द दिए चरणों, अब इनका वचन बदल कर लिखना है। इसका उत्तर है, चरणों का आता है चरण, सपूत का आता है सपूत। चरणों का आता है चरण, सपूत का आता है सपूत। माला का आता है मालाए, माथे का आता है माथा। इनका वचन बदल कर लिखना। अब आगे का है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इन शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। माला का देखो स्त्रीलिंग है, चंदन का पुल्लिंग, धूल का आता है स्त्रीलिंग और शीश का आता है पुल्लिंग। आगे का प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। अब देखो प्रश्न है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अर्पित मन और देह। अब देखो निम्नलिखित पंक्तियों का यानी पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब देखो यहाँ पे की जो पंक्तियां उसे पूर्ण करनी है, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाओ, तेरे ही काम आओ तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। अब आगे का प्रश्न है, एक शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है, समुद्र। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए यानी समानार्थी। माता का जननी है देह का शरीर, चरण का आता है पाव और समुद्र का आता है सिंधु। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे दिए है उत्तर है उसका। अब शब्द है बलिदान और प्रत्यय इसका आता है ई, बलिदान आदि ई बराबर बलिदानी, नया शब्द क्या आता है बलिदानी। शब्द है पुण्य अधिकवान, ये क्या है प्रत्यय है और नया शब्द क्या होता है पुण्यवान। अब देखो संजाल पूर्ण कीजिए। अब प्रश्न है, मातृभूमि की विशेषता है, मातृभूमि की विशेषता है क्या है, देखो पहला है इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, और दूसरा है समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है, तीसरा है समुद्र इसे प्रणाम करता है, और मातृभूमि का पुण्य नाम क्या है यानी मातृभूमि का पुण्य नाम है, मातृभूमि क्या है ये पुण्य नाम है, ऐसे इनकी यानी मातृभूमि की विशेषता है यहाँ पे लिखनी है। तो ये चार विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो आज हमने ये मातृभूमि इस कविता के आधार पर हमने प्रश्नोत्तर आज देखे, इन्हें एक बार फिर से लिख कर उसे याद कीजिए, ठीक है।